के पिन्ने बनाएंगे। मूंगी की दाल के पिन्ने तीन तरीके से बन सकती है। एक तो उसको रात भर भिगो के रखो फिर ग्राइंड करके, दूसरा मूंगी की दाल को ड्राई भून लो उसका आटा बना के। जो मैं बना रही हूँ मूंगी की दाल को मैंने ग्राइंड किया, ग्राइंड करके मैं उसको अब भूनूंगी। इसके लिए मैंने जितना एक कप दाल, एक कप देसी घी और 25 ग्राम गूंद मैंने फ्राई करके ग्राइंड कर लिया है, 5 बादाम छोटे छोटे पीसों में काट के रखे हैं ये डालेंगे हम, आधा चम्मच छोटी इलायची। चलो अब हम शुरू करते हैं। आटे में हम कम घी डालते हैं। इसमें मूंगी की दाल में बराबर का घी डालना पड़ता है। ये बहुत ही अच्छी बनती है, बहुत ही टेस्टी, हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। इसको बनाते रहेंगे धीमी गैस पर। इतनी अच्छी महक आनी शुरू हो गई है, हमने धीमी आंच पे इसको भूना है बहुत ही अच्छी तरीके से, धीरे धीरे लाते रहना इसको। ये धीमी आंच में भूनने के कारण ये इसमें इतने इतना घी छोड़ा है। अब हम इसको नीचे उतार लेंगे और 15-20 मिनट इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। रख लिए वो तो बाद में डालेंगे, बादाम और इलायची अब मैं डाल दूंगी इसमें। ये ब्राउन हो गया आटा हमारा, बनके बिल्कुल तैयार हो गया। अब हम गैस बंद कर देंगे, इसको 15-20 मिनट ठंडी होने के लिए रखेंगे। बाद में शुगर इसमें डालेंगे, बुरा इसमें पहले नहीं डालते क्योंकि वो फिर हार्ड बन जाते हैं। कितना अच्छा बना। अब हम इसमें गूंद डालेंगे जो मैंने पहले ग्राइंड करके रखी हुई, और बूरा डालेंगे। अच्छी तरह मिलाएंगे, अच्छी तरह मिला के अगर हम इसकी पिन्नी बनाएंगे। आप जितने साइज की बना सकते हो, बड़ी आपको अच्छी लगती है, छोटी अच्छी लगती है, जैसे भी बना सकते हो। देखो कैसे अच्छी तरह बन रही है, कितनी अच्छी बनी है, बहुत ही अच्छा कलर आया है। बहुत ही कम टाइम में बन गई। इनका पिनिया ना मैंने दाल भिगो के नहीं बनाया, मैंने इसको वैसे ही ग्राइंड करके बनाया, बहुत इजीली बहुत आराम से बन गया, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होगी। आप भी जरूर बनाइए। तैयार होगी, देखो कितनी अच्छी पिन्नी बनी है, आप जरूर बनाना।